नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू गैजेट टूर। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप कैसे अपने एंड्रॉयड स्मार्टफोन से पोर्ट्रेट मोड शॉट्स ले सकते हैं। जी हां, बैकग्राउंड ब्लर इफेक्ट। तो सबसे पहले आपको एक गूगल की एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होगी, गूगल कैमरा ऐप। देखिए यह है वो कैमरा, 24 MB की ऐप है, इसे इंस्टॉल कर लीजिए। आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड होने के बाद इसे डन करें और बैक जाए और इसे ओपन कर ले। ओपन करने के बाद आपको ये कुछ परमिशंस मांगेगा, उसे अलाउ कर ले, मैंने स्किप कर दिया है। आपको लेफ्ट साइड में 3 डॉट मिलेंगे, उसे क्लिक कीजिए और यहाँ देखिए लेंस ब्लर एक इफेक्ट आ चुका है, इसे क्लिक कीजिए। थोड़ा वेट कीजिए, ये प्रोसेसिंग होता है। प्रोसेसिंग होने के बाद नेक्स्ट कीजिए, ये सब इंफॉर्मेशन दे रहा है, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट कीजिए और किसी भी ऑब्जेक्ट को आप सामने लाइए और उसे मैन्युअली एक बार अच्छी से टैप टू फोकस कर लीजिए। देखिए मैं आपको इसके कुछ सैंपल शॉट दिखा दूंगा। देखिए ये शॉट लेने के बाद प्रोसेसिंग करता है और रेंडरिंग करता है बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए। तो दोस्तों ये हो चुका है। तो दोस्तों देख सकते हैं आप इस कवर के बैकग्राउंड कितना ब्लर इफेक्ट आ चुका है, इसे बोके इफेक्ट भी कहा जा सकता है। देखिए आप टोकर पे कितना फोकस ले हो चुका है। देखिए दोस्तों आपको इसमें और एक इफेक्ट मिलेगा, आप चाहे तो जितना बैकग्राउंड ब्लर करना चाहते हैं उतना कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, तो दोस्तों बने रहिए गैजेट टूर के साथ और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। ये करके दिखाओ, ये करके।